यहाँ पर पार्टी के नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को घेर लिया है मीडिया ने और इस वक्त जो है वो बच के जाने की कोशिश में है, लेकिन इस टाइम मुश्किल सूरत हाल का सामना है। आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के चेयरमैन भी आए और चेयरमैन पीटीआई, आपके लिए शदीद मुश्किलात हैं, आप कैसे लेके चलेंगे नौजवानों को? मैं आई एम स्पीचलेस। जब इससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से जेल में, तो उन्होंने कहा था आप जो मेरी कानूनी टीम है, आप मुझे दो मशवरे दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूं और बहुत लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। सिचुएशन आपको पता ही है, किस मौके के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्यों होने जा रही है, चेयरमैन पीटीआई और इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ये सारा मामला है और यहाँ पर सेटअप सारा रेडी है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन भाई सारे अलर्ट हैं, DSNG वैन सारी अलर्ट है। और वैसे पीटीआई के रहनुमा अमूमन इन दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं थे, बिकॉज़ वो तो नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो आज जो कानूनी टीम है उनकी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो वो शायद टेलीविजन पर चल भी जाए, बिकॉज़ इंट्रा पार्टी इंतखाबात और चेयरमैन पीटीआई के इंतखाब को लेके मामला बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो चुका, उलझ भी चुका। तो कौन होगा चेयरमैन पीटीआई और तरीकाकार क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको दिखा सकूं। बैक एंड पे इस वक्त आप देख सकते हैं ये पार्लियामेंट हाउस की खूबसूरत बिल्डिंग है और पार्लियामेंट हाउस के बाहर जगह का चुनाव किया गया। इससे पहले पार्टी के मरकज़ी दफ्तर में ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही है पीटीआई के लोगों की, लेकिन आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर होने जा रही है। बिस्मिल्लाह करें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई की लीडरशिप ने आज मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बारे में जो फैसला किया है, उससे मैं कौम को आगाह करूं। मेरी कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उसमें ये जो लीडरशिप की तजवीज़ थी वो उसके ऊपर मुशावरत की उनके साथ और फाइनली उन्होंने ये प्रूव कर दिया। उन्होंने कहा कि फौरन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आप कराएं कानून के मुताबिक, अपने आईन के मुताबिक, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई बहाना ना दें कि वो बल्ला पीटीआई को ना दें। तो ये तो पहला फैसला हो गया। कल मैंने फिर शाम को जब मीटिंग की लीडरशिप से, तो आज फैसला मैं आपको सुना रहा हूँ कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हम हफ्ते के दिन, इसी हफ्ते सैटरडे को हम ये इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। दूसरा मामला एक बड़ा अहम गर्दिश कर रहा था, मुख्तलिफ फोरम्स पे उस पर तबसरे हो रहे थे, और वो ये थे कि क्या इमरान खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो होने जा रहा है, इसमें क्या इमरान खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। जब इससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से जेल में, तो उन्होंने कहा था आप जो मेरी कानूनी टीम है, आप मुझे दो मशवरे दीजिए। पहले ये कि क्या मैं ये इलेक्शन कानूनी तौर पे लड़ सकता हूँ कि नहीं, और दूसरा कि अगर मैं लड़ सकता हूँ तो क्या खतरात नज़र आते हैं आपको, क्या ख़तरे हैं कि पीटीआई को जो इलेक्शन है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर भी कलदम करार दे देगा सिर्फ इस वजह से कि मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूं। सो उस मीटिंग के बाद कानूनी टीम बैठी और हमने पहले जो सवाल था उसका जवाब ढूंढा। हमारे मुताबिक जो इमरान खान साहब हैं उनके खिलाफ सिर्फ एक मुकदमा है, एक केस है जिसमें फैसला हुआ है, और वो है तोशाखाना का केस। जिस किस्म का इल्ज़ाम लगाया हुआ है, उस इल्ज़ाम की वजह से आप वैसे भी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। तो पहले सवाल का जवाब बड़ा क्लियर था कि इमरान खान साहब इंटर पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं।
अब आया दूसरे सवाल का जवाब जो हमने सोचा। दूसरे सवाल का जवाब ये था, दूसरा सवाल ये था, मैं दोबारा दोहराता हूँ कि क्या खतरात हैं कि अगर इसके बावजूद के वो नाअहल नहीं हैं, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, तो क्या खतरात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसा आखिरी वक्त पे गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला तो नहीं कर सकता जिसकी वजह से पीटीआई को बल्ला ना मिले और पीटीआई के कैंडिडेट्स जो हैं उनकी नॉमिनेशंस कैंसिल हो जाएं। तो ये ख़तरा बिल्कुल था, क्योंकि वो फैसला जो है वो अभी तक सस्पेंड हुआ हुआ है, जो अल्तोशा खाना का है वो फैसला सस्पेंड ज़रूर हुआ है लेकिन उसका फाइनल फैसला नहीं हुआ। तो ये मामला जब हमने डिस्कस किए तो कल इमरान खान साहब के पास मैं ये लेके गया, साथ बाकी भी वकला थे, और उनको ये हमने दोनों सवालात के जवाब दिए। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई बहाना नहीं देना चाहता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो पीटीआई के इलेक्शन में, जो जनरल इलेक्शन है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के में का, उसमें वो बल्ले का निशान ले लें या इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दें या कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन जो है उनको रिजेक्ट कर दें। मैं किसी किस्म का ये ख़तरा मोलना नहीं चाहता, क्योंकि पब्लिक हमारे साथ है, इलेक्शन जब होंगे हम इंशाल्लाह जीतेंगे। मैं इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूं, जनरल इलेक्शन में। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मैं चाहता हूं कि मेरा जो केस है तोशाखाना वाला, जिसकी शायद कल समाअत है, वो जल्द से जल्द उसकी समाअत हो, उसका फैसला हो। जब वो फैसला हो जाएगा मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन एज चेयरमैन दोबारा लड़ लूँगा। फ़िलहाल आर्जी तौर पे आप अरेंजमेंट करें कि ये इलेक्शन कराएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। अब तीसरा सवाल आया, तीसरा सवाल ये आया कि उनके नॉमिनेटेड पैनल पे कौन कौन होंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स जो हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के वो कौन कौन होंगे। उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों की के नाम आए, डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स हुई, और ये भी नाम आया फाइनली कि चेयरमैन उनका नॉमिनेटेड केयरटेकर, नॉमिनेटेड केयरटेकर चेयरमैन कौन होगा। यानी जब तक के वो अपना इलेक्शन नहीं लड़ते इंट्रा पार्टी चेयरमैन के लिए, वो कौन होगा। बहुत से कदावर शख्सियात के नाम सामने आए। पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब के बगैर कुछ नहीं। कागज़ पे अगर आप चेयरमैन हों या ना हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो लीडर हैं और मुस्तकिल लीडर हैं वो इमरान खान साहब ही हैं। अभी चूंकि हमने कानूनी जो हमारी कार्रवाई है वो पूरी करनी है, कानून के तकाजे पूरे करने हैं, इलेक्शन कमीशन का गैर आइनी और गैर कानूनी जो ऑर्डर है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें इसलिए ये करना पड़ रहा है। और अब मैं आपके सामने वो नाम लेता हूँ जो इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं हमारे बहुत लीगल टीम के अहम ओहदेदार हैं, एक रुकन हैं, और वो ये टेम्प्रेरी जो उनका एक नॉमिनेशन है वो उसको इंशाल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। इसके अलावा अगर कोई सवाल होंगे तो मैं आपका जवाब दे दूंगा, लेकिन अगर बैरिस्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे तो उनकी बात भी सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आई एम स्पीचलेस, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज बिल्कुल नहीं है खान साहब के शुक्रिया अदा करने का, या जो उन्होंने एतमाद किया मेरे ऊपर, या मेरे ज़िले के ऊपर, या केपीके के ऊपर, या हमारी पूरी टीम के ऊपर, इसका मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन मैं खान साहब के नॉमिनी नुमाइंदा जानशीन के हैसियत से हूँ। पीटीआई वही है जो खान साहब की है। खान साहब लीडर है, चाहे वो जेल के अंदर है चाहे वो जेल के बाहर है। खान साहब लीडर चेयरमैन थे
चेयरमैन है और इंशाल्लाह ताहयात चेयरमैन रहेंगे, ये फैसला हो चुका है। मैं उस वक्त तक इस सीट पे अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा जब तक खान साहब वापस अपनी सीट पे बाइज्जत तौर पे वापस नहीं आते, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब वो बड़े असूख के साथ इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे। हो सकता है कल ही हो, हो सकता है कल ही हो, इंशाल्लाह अल्लाह करे कल ही हो। लेकिन इतनी ये ज़रूर बताता हूँ कि हमारा नज़रिया वही है, पीटीआई वही है, काम वही है, स्ट्रगल वही है जो खान साहब ने इब्तिदा किए और खान साहब चला रहे, वही हमारा अव्वल है, वही हमारा आखिर है, वही हमारा नज़रिया है जो खान साहब का है। मैं सिर्फ आपसे फ़िलहाल इतनी दुआ की अपील करता हूँ, अल्लाह हमें हिम्मत दे कि इस बारी जिम्मेदारी को हम मुश्किल वक्त में निभा सके, कि जिन लोगों ने यहाँ तक हमें ले आए और ये स्टेप खान साहब ने लेना पड़ा, ये दिन वापस रिवर्स हो जाए और वापस अवाम का असल लीडर वो वापस अवाम में आके खड़े हो सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वन एट ए टाइम प्लीज़। जो कदावर शख्सियात थीं बहुत सारी, वो चूँकि अपने मुस्तकिल ओहदों पे अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं तो इसलिए उनको एक टेम्प्रेरी एक आर्जी तौर पे केयर टेकर सेटअप में लाने का कोई फ़ायदा नहीं था। जो बैरिस्टर साहब हैं वो नॉमिनी हैं इमरान खान साहब के, और इसीलिए वकला वकील को चूज़ किया गया ताकि वो अपना जो जो इंस्ट्रक्शंस उनको मिलती रहेंगी वो उसके मुताबिक एक्ट करते रहेंगे। पॉलिटिकल फिगर्स अपने अपने काम कर रहे हैं। जब इमरान, ये चूँकि आप समझिए कि ये टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है, इसलिए इसमें कोई परमानेंट हम पॉलिटिकल फिगर नहीं लाना चाहते थे। सर, इस तरह तो नहीं है कि जो आपके सियासी मुखालिफीन हैं उनकी ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान को किसी तरीके से साइड पे किया जाए, तो क्या वो अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हो गए और अगले इलेक्शन में खान साहब तो आप देख रहे कि वो बाहर ही होंगे इलेक्शन? देखिए जी, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट उसी जो स्ट्रेटजी है दूसरी साइड की उसी का तोड़ है, ये उसी का तोड़ है जो कि जो स्ट्रेटजी है दूसरी साइड की, ये जो हमने फैसला किया ये उसी स्ट्रेटजी की काउंटर स्ट्रेटजी है। ये कोई माइनस वन नहीं, जिस तरह मैंने कहा ये कोई कू नहीं, और ये जो नॉमिनेशन है उसे ही आपको जाहिर हो जाता है कि ये प्योर नॉमिनेशन है और प्योर टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है। हो सकता है अगर कोई हम कदावर शख्सियत लाते तो आप फिर ये सवाल पूछ सकते थे मेरे से, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कल जब यही बात शेर अफजल मरवत साहब ने की थी तो पार्टी की जानिब से बड़ा सख्त डिनायल आया था, और फिर सोशल मीडिया पे जो है वो तहरीक इंसाफ के कुछ अकाउंट से हमने उनकी ट्रोलिंग भी देखी। वो सीनियर नायब सदर हैं पार्टी के, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो खान साहब की लीगल टीम का भी हिस्सा है, तो क्या वो जो कहते हैं कि पार्टी के अंदर भी गद्दार लोग मौजूद हैं उससे उनके बयानिए को तकवीत मिल रही? नहीं, देखिए जी, वो मरवत साहब ने जो कहा था वो भी दुरुस्त थी बात, क्योंकि वो मीटिंग में बैठे हुए थे, लेकिन वो सिर्फ डिफरेंस ये था कि कल इमरान खान साहब ने ये कहा था कि आप अपनी जो लीडरशिप है उससे मेरी ये फैसले को अप्रूव करा लें, और अप्रूव जब तक नहीं होता, आपको पता है पार्टी अनाउंस नहीं कर सकती है और फाइनल डिसीजन नहीं समझी जाती, तो वो जब शाम को, जैसा मैंने बताया कि जब मैंने ये सारी चीज़ें बताई और ये डिस्कशन हुई, तो उसके बाद वो मेन लीडरशिप जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया, तो फिर मैंने आज अनाउंस कर रहा हूँ। मुझे ज़िम्मेदारी दी थी उन्होंने ये अनाउंस करने की, मैं इसलिए ज़िम्मेदारी अनाउंस कर रहा हूँ, तो इसलिए कोई किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट किसी के दरमियान नहीं है, ना होना चाहिए, अगर हुआ तो मैं फिर उसको इंशाल्लाह रिजॉल्व कर लूँगा। जस्ट अ सेकंड, केयर टेकर चेयरमैन, ये नई इस्लाम देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन में, ऐसा ना हो इलेक्शन कमीशन इस लफ्ज़ के ऊपर भी कोई आपके साथ कोई तनाज़ा खड़ा कर दे और नई मुश्किल खड़ी हो जाए। कागज़ पे चेयरमैन ही होगा लिखा हुआ, तो कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे। केयर टेकर सिर्फ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इनके रोल को, ताकि हमारे जो वर्कर्स हैं और पार्टी लीडरशिप है उनका जो 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 खदशात हैं वो ख़त्म हो जाए। नुमाइंदे के तौर पर बड़े सियासी लोग हैं, रौफ साहब भी थे, बाकी भी लोग थे, बैरिस्टर साहब के ऊपर कोई एतराज़ नहीं, आपका फैसला है, लेकिन शाह महमूद जैसे लोग और परवेज़ इलाही जैसे लोगों को छोड़ के बैरिस्टर साहब का इसके हवाले से इंतखाब करना, ये हिकमत क्या है, ये भी बताइए जी। यही मैंने आपको बताया ना जी, कि वो जो इतने लोग थे जो हमारे बड़े पॉलिटिकल लोग हैं वो मुस्तकिल ओहदों पे बैठे हैं,
और वो मुस्तकिल उहदों पे ही रहेंगे। वो उनको मुनासिब नहीं है कि उनको आप उठा के मुस्तकिल उहदों से हटा के एक टेम्प्रेरी उहदे पे ले आएँ। तो इसलिए इसका मकसद यही था कि हम ये एक तो साफ नज़र आ रहा है कि हम ये एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट कर रहे हैं, और इसलिए हमारा ये मकसद नहीं है कि कोई ऐसा शख्स आए जिसको हम फिर बाद में हटाएं और वो फिर टेम्प्रेरी तौर पे आए। उनके बड़े अपने अपने जिम्मेदारियां हैं जो उन्होंने निभानी हैं, और वो चूंकि परमानेंट नेचर की हैं इसलिए हम वो परमानेंट नेचर वाले लोगों को किसी तरह से उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। साहब ये बताइएगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन आप हफ्ते को कराने जा रहे हैं, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो गिरफ्तार हो रहे हैं, झंडा नहीं लगा सकते, मूव नहीं कर सकते, एक्टिविटी नहीं कर सकते, एक सवाल तो ये पूछिए कि इलेक्शन करा कहाँ रहे हैं, और अगर गिरफ्तारियाँ होती तो फिर वो कौन सी आप इलेक्शन कमीशन की डिमांड? देखें, हमारा जो हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ जो उनके दूसरे लोग हैं, वो पूरी तरह आईन के मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे। जो इलेक्शन का प्रोसेस है और किस जगह पे होना है, कैसे होना है, उसमें मेरी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना होनी चाहिए, क्योंकि वो जो 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 हमारे इंडिपेंडेंट लोग हैं वही अपने कायद और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक बनाएंगे। जफर साहब, इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के साथ आपकी नेशनल काउंसिल को भी उड़ाया है, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो नेशनल काउंसिल के इलेक्शन भी साथ होंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है उसके अलावा अगर हुए तो फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे? जी जी, सारे पैनल मैंने एक एक जितने बाकी पैनल के लोग हैं और मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं उन सब के नॉमिनेशन फाइल होंगी और वो बकायदा इलेक्शन होगा जिस तरह कानून कहता है और जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। मैं फिर दोहराता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर गैर आइनी और गैर कानूनी है, क्योंकि इलेक्शन हम करा चुके थे, लेकिन हम फिर भी उसमें उसको मान रहे हैं क्योंकि हमारे ख्याल के मुताबिक किसी किस्म का बहाना नहीं देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को या किसी और को कि वो ये इलेक्शन में हमें हिस्सा लेने से रोके। शुक्रिया, बहुत 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 पार्टी के नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को घेर लिया मीडिया ने, और इस वक्त जो है वो बच के जाने की कोशिश में है, लेकिन इस टाइम मुश्किल सूरत हाल का सामना है। आप कैसे लेके चलेंगे नौजवानों को साथ लेके? खान साहब का जो नजरिया वही नजरिया, खान साहब के नजरिए में चलेंगे। अच्छा, जो चैलेंजेस है पीटीआई को उससे कैसे निपटेंगे? जो चैलेंजेस है पीटीआई को टाइम देते थे बैरिस्टर गौहर साहब, जो चैलेंजेस आपसे सर आप फैसला होने के बाद इमोशनल हो